तो क्या तुम लोग बिना मॉब का एक एक्सपी फार्म बनाना चाहते हो, बट तुम्हें पता नहीं है कि कैसे एक एक्सपी फार्म को बनाते हैं विदाउट मॉब्स के। तो मैंने इस वीडियो में बताया कि तुम लोग सिंपल वे में फूड को कलेक्ट करते करते कैसे एक मॉब स्पॉनर, मतलब बिना मॉब का एक अनलिमिटेड एक्सपी फार्म कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ये बहुत ही छोटा वीडियो है, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को एक्सपी फार्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें लगेगी, पोटैटोज, एक स्मोकर, एक चेस्ट, मतलब एक थिंग चेस्ट, हॉपर, लीवर और कोल। कोल मैंने यहाँ पे ब्लॉग यूज़ किया है कि ये बहुत ही अच्छा स्मेल्ट करता है। इसलिए सबसे पहले तुम लोगों को पहले एक जगह पे यहाँ पे एक चेस्ट प्लेस करना है। चेस्ट प्लेस करने के बाद उसके ऊपर तुम्हें क्राउच होके हॉपर लगाना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो क्राउच होके हॉपर लगाना है। हॉपर लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाना किसी भी ब्लॉक के मदद से, और जाके उसके ऊपर फिर एक स्मोकर लगा देना। स्मोकर लगाने के बाद स्मोकर के ऊपर तुम्हें एक और हॉपर लगाना है। हॉपर लगाने के बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर चले जाना, मुझे बार-बार ऊपर जाना पड़ा यहाँ पे, और उसके ऊपर तुम्हें एक चेस्ट लगाना है। क्राउच होकर फिर से तुम्हें एक चेस्ट लगा देना। सॉरी मुझे यहाँ पे गलत लग गया तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। टूट गया। चलो सॉरी। इसका उसके बाद ऊपर वाले चेस्ट के बाद तुम्हें पोटैटोस डालना होगा। पोटैटोस डालने के बाद तुम्हें यहाँ पे आना है साइड में। साइड में आने के बाद उस मतलब इस हॉपर के साइड में तुम्हें एक लीवर लगाना होगा। क्राउच होकर लीवर लगाना है। लीवर लगाने के बाद उसके अंदर लीवर बस स्मोकर के अंदर तुम्हें डालना पड़ेगा कोल। कोल डालने के बाद बस उस तुम उस लीवर को बंद कर दिया। मेरा वही पे गलती हुई थी, मैं लीवर को ऑन छोड़ दिया था, इसलिए पोटैटो स्मेल्ट होकर नीचे चला गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट जरूर कर। तुम लोग देख सकते हो मैंने एक और यहाँ पे बना लिया है एक और एक्सपी फार्म। और अगर तुम लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नीचे कमेंट ज़रूर करना।